झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के हेमंत सोरेन सरकार के फैसले से सरकारी कर्मचारी खुश हैं। सरकारी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जश्न मनाया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का माला पहनाकर स्वागत किया। सबसे खास और महत्वपूर्ण बात, हेमंत सोरेन के आवास में जो तमाम कर्मचारी संघ के लोग हैं वह जश्न मना रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके लिए बड़ी सौगात दिए हैं। हालांकि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं झूमते नाचते हुए दिख रहे हैं, और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था उसे वह पूरा किए। वहीं मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संघ के लोगों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में क्या कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, सुनिए। विभिन्न वर्गों में विभिन्न पदों में कार्यरत आप सभी कर्मचारी संघ के सभी सामाजिक सदस्य हैं, सभी कर्मचारी हैं, आप अभी हटेंगे सामने से कैमरा भैया। आज की इस धन्यवाद आभार सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर प्रोजेक्ट भवन तक जहां सरकार की नीति निर्धारण होती है, उन जगहों पर आप लोग तैनात हैं। आप सब लोग, कोई पुलिस में है, कोई चिकित्सा व्यवस्था में है, कोई लिपिक में है, कोई पदाधिकारी के रूप में है, प्रशासनिक अन्य तरह तरह के आप लोगों के जो संवर्ग है, आप सब लोग सभी मिलकर, मैं समझता हूं कि सिर्फ झारखंड नहीं पूरा देश का कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लगातार आंदोलन करता रहा। आपको याद होगा और मुझे भी याद है वो बारिश का वक्त जहां समाजन बारिश में भी कोई छाता लगाकर, कोई बिना छाता का अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था, और कोई भी व्यक्ति आज के इस आंदोलन की सुस्ती लेने वाला नहीं। और उसमें मैं आपके बीच में गया था, आपकी बातें सुनी थी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।